When you want to break up your fall monotony with something new and interesting to eat, try Blue Apron's 2 and 4 serving menu plans with those hard-to-find ingredients sure to spice up your weekend. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and health-conscious offerings. Get a $100 gift card, plus enjoy $130 off across your first 6 orders when you place an order by September 23rd. Visit blueapron.com/unique2022. Book My Show Jukebox presents Zara Khauf Se Suno. मैंने कितनी बार मम्मा को कहा रात को मेरे रूम की लाइट ऑन छोड़ दिया करे, लेकिन वो मेरी बात मानती ही नहीं। रोज रात को मेरे रूम में ना वो आ जाता है। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, वो कौन है, लेकिन आई नो वो ना मेरे रूम के फ्लोर में से निकल के आता है। समटाइम्स वो वहीं बैठा रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो किसी और को नहीं दिखाई देता, सिर्फ मुझे दिखाई देता है। बहुत स्कैरी है वो, ब्लैक कलर का। मैं रिया की माँ हूँ। मैंने सारी कोशिशें कर ली रिया को समझाने की कि ये मॉन्स्टर्स कुछ नहीं है, उसके दिमाग का वहम है, उसके अपने मन का डर, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आती। मैं इस बात से परेशान हूँ, लेकिन मैं अब भी इसे प्रॉब्लम नहीं मानती, क्योंकि अदरवाइज रिया इज फाइन। मेरी मम्मा जब आती है ना तो मुझे बस यही कहती है, ओवरकम योर फियर, ओवरकम योर फियर, अपने मन से डर निकाल दो। अगर तुम उस पर हंसोगे जो तुम्हें डरा रहा है, तो वो डराना छोड़ देगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन मैंने ये सब ट्राई किया है, फिर भी ही इज देयर एवरी नाइट। मुझे नहीं पता अब मुझे क्या करना चाहिए। करण लिसन, 2 दिन ना तुम इन बच्चों के साथ या उनके मम्मी डैडी के साथ मिलकर बिताओगे ना, तो बाकी हफ्ते भर छुट्टी लेकर घर पर ही पड़े रहोगे। सो मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है। डू यू नो अबाउट दिस रिया? मेरी क्लास में है और रोज क्लास में वो सोती है, क्योंकि रात को उसे घर पर अपने रूम में मॉन्स्टर दिखता है और नेचुरली डर के मारे वो सो नहीं पाती। मैंने उसकी मदर को बुलाया तो उसने भी आकर मुझे सुना दिया कि अब वो क्या कर सकती है। वर्किंग मदर है ना वो, हर तरह से अपनी बेटी को समझा चुकी है, लेकिन उसकी बेटी की इमेजिनेशन ही इतनी स्ट्रांग है। एक्चुअली करण, मुझे समझ नहीं आता कि ये सब क्या उन बच्चों का अपना डर है, या उनके पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशंस का मैनिफेस्टेशन, या फिर इमेजिनेशन किसी की इतनी पावरफुल हो सकती है। यार देख समीरा, तू ना अपने शौक के लिए ये टीचर का जॉब कर रही है ना, करियर बनाने के लिए नहीं, तो प्लीज अपने स्टूडेंट्स की या उनके माँ बाप की लाइफ में ना इतना इन्वॉल्व मत हो यार, जरूरत नहीं है। हाँ करण, ओके, मेरे हस्बैंड ने तो बात सही की, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल पहुंची तो अगेन रिया अपना सर टेबल पर रख के सो रही थी। मैं उसके पास गई और उसे उठाने ही वाली थी, जब मैंने उसके पैर नोटिस किए। दोनों पैरों पर अजीब से निशान हुए हुए थे, जैसे किसी ने बड़ी जोर से स्क्रैच किया हो। देखकर एक क्षण के लिए मैं ही सहम गई। पुअर चाइल्ड, मैंने रिया को आवाज दी और उसने बस अपना सर मोड़कर मेरी तरफ किया। वो वैसे ही टेबल पर सर रखे रखे मेरी तरफ देखने लगी और उसका चेहरा देखकर मेरी सांस निकल गई। रिया को देखकर उस पल ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बच्ची को नहीं बल्कि एक 40 साल की औरत का चेहरा देख रही हूं। एकदम स्ट्रेस्ड आउट, देयर वाज सो मच स्ट्रेस ऑन हर फेस। एनीवे, मैंने खुद को संभाला और उसके पैरों की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये निशान कैसे पड़े, और यह बस एक टक मेरी ओर देखती रही, कुछ नहीं बोली। मेरे लिए भी उसके चेहरे से नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं वेट करती रही रिया कुछ कहेगी, लेकिन वो बस चुप थी और बिना पलक झपके मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में जो दर्द भरा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और किसी तरह मैंने उसके चेहरे से अपनी नजर हटाई और उसके पैरों के निशान की तरफ दोबारा देखा। हिम्मत करके मैंने उसकी चोट को सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया,
और जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसके घाव को छुआ कि आ, मैं चौंकी और अपनी उंगलियों को इंस्टिंक्टिवली फूंक मारने लग गई। जब उससे भी आराम ना मिला तो मुंह में दबा ली। रिया का घाव छूते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने जलते लाल लोहे को छू लिया हो। स्कूल खत्म होने के बाद मैं स्टाफ रूम से अपना बैग लेकर निकल रही थी तो मैंने नोटिस किया कि रिया बाहर स्कूल की लॉबी में अकेली बैठी है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, मम्मा तुम्हें लेने नहीं आई? और उसने सर हिलाकर नो कहा। स्ट्रेंज, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मैंने रिया की मदर को फोन लगाया। लेकिन बेल बजती रही, किसी ने पिकअप ही नहीं किया। हाउ कैन समवन बी सो इररिस्पॉन्सिबल। स्कूल खत्म हुए एक घंटा हो चुका था। इतनी देर कोई अपने बच्चे को इस तरह स्कूल में अकेला रहने कैसे दे सकता है? मैं अब एंशियस होने लगी तो मुझे करण की बात याद आई। मुझे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस तरह इस बच्ची को यहां अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूं? मैंने फिर एक बार उसकी मदर को फोन ट्राई किया। और जब अब भी कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिया को उसके घर छोड़ दूंगी। वैसे तो स्कूल का प्यून या आया ये काम कर ही देते, लेकिन मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टूडेंट्स की ओर। मैं इसकी माँ जैसे इरिस्पॉन्सिबल औरत नहीं हूं। मैंने स्कूल के ऑफिस से रिया का एड्रेस लिया और मैं रिया को लेकर स्कूल से निकली। रास्ते में रिया बिल्कुल सहमी हुई सी बैठी रही मुझसे चिपक कर, और रह रहकर वो अपने पीछे देखे और उसके चेहरे पर एक डर सा बढ़ता जाए। मैंने पूछा कि पीछे क्यों देख रही हो रिया बार बार, और वो बस एक ही बात करती रही, वो आ जाएगा टीचर, वो आ जाएगा। तो कोई नहीं आएगा बेटा, ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम पीछे देखो ही मत, कोई नहीं है और कोई नहीं आ रहा है। हम रिया के बिल्डिंग पहुंचे और सीधे थर्ड फ्लोर के फ्लैट 309 की मैंने बेल बजाई। काफी बार बेल बजाने के बाद किसी ने दरवाजा खोला, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। और जैसे ही मैं उस हाफ ओपन डोर से अंदर की तरफ झांकने लगी तो रिया की माँ दरवाजे के पीछे से अपीयर हुई। वो खुद ही इतनी डरावनी लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए, खुले हुए, कपड़े जैसे दो दिन से बदले ना हो। और उसने रिया को देखकर कहा, इसे यहाँ क्यों ले आई? रिया को यहाँ क्यों ले आई तुम? मैंने जरा ताकत लगाकर दरवाजा पूरी तरह खोला और रिया को लेकर अंदर बढ़ी। रिया की माँ ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और वो इधर उधर देखने लगी। शी वॉज बिहेविंग वेरी स्ट्रेंज। घर के अंदर जब मैंने अपने चारों ओर देखा, घर बहुत ही गंदा हुआ था, जैसे ना जाने महीनों से साफ ना किया गया हो। सारी खिड़कियां बंद थी एंड बहुत ही डिप्रेसिव माहौल हो रहा था। रिया एक कोने में जाकर बैठ गई। ना रिया ने अपनी माँ से कुछ कहा, ना ही माँ ने रिया से। मुझसे तो उस कमरे का माहौल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सो मैंने आगे बढ़कर विंडोज खोल दी। कुछ फ्रेश हवा अंदर आई, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद मुझे फिर से अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने रिया की ओर देखा और पूछा, रिया तुम्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है? मैं देखूं फ्रिज में? ऑब्वियसली रिया की मदर कुछ भी करने के हाल में ही नहीं दिख रही थी। फॉर अ मोमेंट मैंने सोचा आई शुड कॉल अ डॉक्टर, लेकिन पहले मैं अंदर गई किचन में और फ्रिज खोला। ई! मेरी चीख निकल गई। फ्रिज के अंदर न जाने कितने दिन या महीनों पुराना खाने का सामान रखा हुआ था। उसमें से बदबू भी आ रही थी और कुछ स्टफ पर तो कीड़े चलते हुए दिख रहे थे। मैंने फ्रिज को अंदर से छू कर देखा तो फ्रिज ऑन ही नहीं था। क्या हो रहा था इस घर में? ऐसा कैसे रह सकता है कोई? मिसेस श्रीवास्तव, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपने घर का? ऐसे माहौल में आप अपनी बेटी को कैसे रहने दे सकती हैं? दिस इज नॉट डन। ये कहते हुए मैं बाहर हॉल में आई तो रिया की मदर को देखकर रुक गई। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और मुझे गुस्से से घूर रही थी। धीरे धीरे मुझे घूरते हुए उसकी सांसें तेज होने लगी और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी, और फिर
अचानक चिल्लाई, निकल जा मेरे घर से, जा, मेरी बीवी और बच्ची को छोड़कर अभी चली जा तू, जा, वरना। और मैं डर कर वहां से एकदम दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने लगी तो रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाइए टीचर, मुझे अकेले छोड़कर प्लीज मत जाइए। जाने दे उसे रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने डर कर रिया का हाथ छुड़ाया और दरवाजा खोलकर मैं तेजी से नीचे पहुंची, बिल्डिंग के बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जितनी दूर जा सकती थी ड्राइव करके पहुंच गई। और जब लगा कि काफी दूर आ चुकी हूँ तो गाड़ी साइड में पार्क की और फिर जोर जोर से रोने लगी। आई जस्ट ब्रोक डाउन। कुछ 5 मिनट बाद मैंने खुद को कंट्रोल किया और अगल बगल में देखा। आई डोंट नो मैं कहाँ थी। मैंने करण को फोन लगाया और उससे बस इतना कहा, करण कम एंड गेट मी प्लीज। पूरा 1 महीना समीरा हॉस्पिटल में थी। इतना बुरा नर्वस ब्रेकडाउन था उसका कि शी हैड टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर अ होल मंथ। और पूरे महीने वो चुप रही। मुझे गुस्सा ये आ रहा था कि मैं ये तक नहीं जानता था कि समीरा का ये हाल हुआ क्यों। उसके स्कूल में भी पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था। जब फाइनली समीरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तब उसने मुझे पूरा किस्सा बताया। करण, मैं अब भी वो सब दिमाग से भुला नहीं पा रही हूँ। आई अंडरस्टैंड लव। लुक आई एम सॉरी बट मुझे उस बच्ची के पेरेंट्स से मिलना है। नहीं करण, प्लीज जस्ट हेल्प मी फॉरगेट इट ऑल। हो सके तो कुछ दिन छुट्टी ले लो ना ऑफिस से, कहीं हॉलिडे पे चलते हैं, कोई नाइस प्रिटी क्वाइट प्लेस। श्योर लव, जरूर। मैं आज ही ऑफिस में इन्फॉर्म कर देता हूँ, हम कल निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मुझसे रहा नहीं गया, मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा था। जिन लोगों की वजह से मेरी समीरा का ये हाल हुआ है मैं उनसे एक बार मिलकर कम से कम अपनी मन की भड़ास तो निकाल लूं। सो स्कूल से रिया का एड्रेस लेकर मैं उसके घर पहुंचा। मैं 3rd फ्लोर के फ्लैट नंबर 309 की बेल बजाए जा रहा था जब बगल के फ्लैट का दरवाजा खुला और एक अंकल ने झांक कर मुझसे पूछा, किससे मिलना चाहते हो तुम? अंकल जी, ये यहाँ रिया रहती है, मैं उसके पेरेंट्स से मिलना चाह रहा था, मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव। तुम उनके रिश्तेदार हो? नहीं, मेरी वाइफ उन्हें जानती है। तो तुम्हें पता नहीं? क्या अंकल जी? बेटा यहाँ कोई नहीं है, वो तीनों जन मर चुके हैं। व्हाट? कब? कैसे? अंकल जी से जो सुना वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। सर्टेनली हम एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। यहाँ नॉर्मल पैरानॉर्मल सब एक साथ हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है। यकीन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, वरना जो अंकल जी ने मुझे बताया उसे और किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। रिया के फादर मिस्टर श्रीवास्तव की डेथ एक एक्सीडेंट में कई साल पहले हो चुकी थी। एक्चुअली ये भी कहना मुश्किल है कि वो एक्सीडेंट ही था या मर्डर। मिस्टर श्रीवास्तव अपनी बैल्कनी से नीचे गिर गए थे। नेबर्स का कहना है कि हस्बैंड वाइफ में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मिस्टर श्रीवास्तव कुछ काम नहीं करते थे और ऐसे में मिसेस श्रीवास्तव बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव ने अपनी जिद पूरी की, रिया पैदा हुई और मिस्टर श्रीवास्तव अपनी बेटी से बहुत प्यार भी करते थे। उसके बाद मिसेस श्रीवास्तव ने नौकरी ज्वाइन की और वही घर भी चलाती थी, लेकिन नेचुरली उनकी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती रहीं और फिर एक दिन मिस्टर श्रीवास्तव बिल्डिंग कंपाउंड में नीचे डेड पड़े मिले। उसके बाद अक्सर उनके घर से स्ट्रेंज आवाजें आती थी। फिर धीरे धीरे मिसेस श्रीवास्तव ने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। वो घर से बस स्कूल के लिए निकलती थी, रिया को ड्रॉप करने और पिकअप करने के लिए। बिल्डिंग में भी किसी से बात नहीं करती थी वो, और ना ही रिया को किसी और बच्चे के साथ खेलने देती थी। रिया भी खुद बहुत डरी डरी सी रहती थी हर पल। बस फिर एक दिन, कुछ शायद 15-20 दिन पहले की बात होगी, उनके फ्लैट में से बड़ी बदबू आने लगी तो पुलिस को बुलाकर घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर दोनों माँ बेटी की डेड बॉडीज पड़ी थी। दोनों की बॉडीज पर मारने का कोई निशान नहीं था। बिल्डिंग वालों का यह मानना है कि रिया के पापा मिस्टर श्रीवास्तव का भूत दरअसल यहीं रह रहा था और वो अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहता था। सो फाइनली वो उसे ले गया और अपना बदला चुकाने के लिए अपनी वाइफ को भी उसने मार दिया।
Believe It or Not was written by Isha Sharma and Satyam Tripathi. Directed by Satyam Tripathi, with performances by Trupti Khamkar, Veera Saxena, Karthik Sitaraman, and Omi Joshi. Come back next week for another horrifying story called The Curse, exclusively on BMS Jukebox. This is an IVM production. For more information, go to ivmpodcasts.com.